नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम में। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज में हम आपको नवरात्रि से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां देंगे, तो आइए इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको सबसे पहले यह बताते हैं कि नवरात्रि साल में कब और क्यों मनाए जाते हैं और नवरात्रि से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और कथाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि एक वर्ष में कितनी बार आते हैं? आप सोच रहे होंगे दो बार, लेकिन मैं आपको बता दूं, नवरात्रि एक वर्ष में चार बार आते हैं। साल के प्रथम माह चैत्र में पहले नवरात्रि होते हैं, जिन्हें हम चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। फिर चौथे माह अषाढ़ में दूसरे नवरात्रि होते हैं। इसके बाद अश्विन माह में प्रमुख शारदीय नवरात्रि होते हैं। साल के अंत में माघ माह में गुप्त नवरात्रि होते हैं। इन सभी नवरात्रों का जिक्र देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। अगर हम हिंदी पंचांग के हिसाब से देखें तो चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ होते हैं। लेकिन सर्वविदित है कि चारों में से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रमुख माने जाते हैं। एक साल में यह दो नवरात्रि मनाए जाने के पीछे की वजह अलग अलग है। तो आइए हम आपको नवरात्रि का उत्सव साल में दो बार मनाने के पीछे के प्राकृतिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको प्राकृतिक कारण से अवगत कराते हैं। जैसे कि विदित है, दोनों नवरात्रि के समय ही ऋतु परिवर्तन होता है। गर्मी और शीत के मौसम के प्रारंभ से पूर्व प्रकृति में एक बड़ा बदलाव होता है और ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति माता की इसी शक्ति के उत्सव को आधार मानते हुए नवरात्रि का पर्व हर्ष, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो माँ प्रकृति स्वयं ही इन दोनों समय काल पर ही नवरात्रि के उत्सव के लिए तैयार रहती है। तभी तो उस समय मौसम ना तो अधिक ठंडा होता है और ना ही अधिक गर्म होता है। खुशनुमा मौसम इस पर्व की महत्वता को और बढ़ाता है। अगले चरण में हम आपको भौगोलिक कारण से अवगत कराते हैं। अगर भौगोलिक आधार पर गौर किया जाए तो मार्च और अप्रैल के जैसे ही सितंबर और अक्टूबर के बीच भी दिन और रात की लंबाई समान होती है, तो इस भौगोलिक समानता की वजह से भी एक साल में इन दोनों नवरात्रि को मनाया जाता है। प्रकृति में आए इन बदलाव के चलते मन तो मन, हमारे दिमाग में भी परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के दौरान व्रत रखकर शक्ति की पूजन आराधना करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। और वही अगर हम साल में दो नवरात्रि मनाने के पीछे आध्यात्मिक पहलू पर प्रकाश डालें तो जहां एक नवरात्रि चैत्र मास में गर्मी की शुरुआत में आती है, तो वही दूसरी सर्दी के प्रारंभ में आती है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आने वाली सौर्य ऊर्जा से हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वह फसल पकने की अवधि होती है। मनुष्य को वर्षा जल और ठंड से राहत मिलती है, तो ऐसे जीवन उपयोगी कार्य पूरे होने के कारण दैवीय शक्ति की आराधना करने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। और अंत में हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं। यदि इस पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों नवरात्रि ऋतु संधि काल में आते हैं, यानी कि जब दोनों ऋतुओं का समागम होता है, उस दौरान शरीर में वात पित्त कफ का समायोजन घट बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए 9 दिन माता की पूजन व व्रत करके अनुशासन युक्त जीवन जीने से शरीर की साफ सफाई की जाती है। ध्यान से मन की शुद्धि होती है और हवन से वातावरण शुद्ध होता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को इस पर्व को मनाने के पीछे के रोचक तथ्य पसंद आए होंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आने वाले वीडियोस में हम आपको नवरात्रि पर्व की पौराणिक कथाओं से अवगत कराएंगे। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप इस सीरीज से जुड़े किसी भी अपडेट्स को मिस ना करें। जय माता दी।